हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज़ शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़। आई नो आप सभी कर रहे हैं मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइन। दबंग 2 के मेन डांस नंबर में कौन बनेगी दबंग आइटम गर्ल, इस सवाल पर मलाइका ने क्यों शुरू किया कंफ्यूजन। कंगना ने रिसेंटली किस एक्टर से पीछा छुड़ाया, एक्सक्लूसिवली बताया जूम को। जिसन 2 में सनी लियोनी के कैरेक्टर का सीक्रेट हुआ आउट। और दिखाएंगे आपको कैसे शादी करने के तुरंत बाद जेनेलिया को हाथ धोना पड़ा एक बड़ी एंडोर्समेंट डील से। मुन्नी को बदनाम करके मलाइका अरोड़ा खान को अब तक जितना नाम मिला है शायद किसी आइटम गर्ल को नहीं मिला। और अब जब दबंग 2 में मुन्नी जैसे ही आइटम सॉन्ग में करीना की एंट्री की बात हो रही है, मुन्नी ऐसे सवालों को इग्नोर कर रही है, तो क्या मलाइका यानी मुन्नी हो गई है थोड़ी सी इनसिक्योर या फिर है मामला कुछ और, देखिए हमारी अगली स्टोरी में। करीना कपूर भी आपके साथ दबंग 2 में आइटम नंबर करने वाली है? वो तो पता नहीं। करीना कपूर भी आपके साथ दबंग 2 में आइटम नंबर करने वाली है? वो तो पता नहीं। वो तो पता नहीं। मुन्नी रे, तेरा गली गली में चर्चा रे, पर मलाइका को लगता है अपनी और हस्बैंड के प्रोडक्शन की फिल्म दबंग 2 की कुछ खबर ही नहीं है। अंधेरी ईस्ट के एक स्टूडियो में दबंग 2 की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। 84 बीफी बॉडीगार्ड्स भी दबंग 2 के सेट पर ड्यूटी बजा रहे हैं, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आउट ना हो पाए। ऐसे में हमें क्या, किसी को भी लगेगा कि मलाइका भी इसीलिए मुन्नी के सीक्वल की मिस्ट्री को छुपा रही है। लेकिन जरा एक नजर मुन्नी के उन सारे कंपेटिटर्स पर डाल लीजिए जो मुन्नी के सर से सबसे पॉपुलर आइटम गर्ल का ताज झपटने की तैयारी कर रहे हैं। शायद दबंग 2 का गाना मैं ही करूं, यू नेवर नो। पर राखी से मुन्नी को उतना खतरा नहीं है जितना खतरा उनके साथ रहने वाला एक शख्स उन्हें दे रहा है। जूम ने ही आपको एक्सक्लूसिवली दिखाया था कि सैफ के रीसेंट ब्रॉल के वक्त मलाइका भी उसी 5-स्टार होटल में डिनर टेबल पर मौजूद थी जहां करीना थी और सैफ पर मारपीट के एलिगेशंस लगे थे। दूसरे दिन भी वो करीना ही थी जो सारा दिन मलाइका के घर पर ही थी, पर वो तो मलाइका का सपोर्ट था। यहाँ बात हो रही है कंपटीशन की, एक ऐसा कंपटीशन जो मुन्नी को मिलने जा रहा है दबंग 2 में, क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं कि मलाइका अकेले नहीं होंगी इस बार दबंग 2 के आइटम नंबर में। मुन्नी की सक्सेस के बाद इस सॉन्ग से लोगों की एक्सपेक्टेशन का लेवल काफी बढ़ गया है। ऐसे में हो सकता है कि अरबाज और सलमान करीना को मुन्नी सॉन्ग में रोप इन करने की तैयारी कर रहे हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि मलाइका भी करीना को इस आइटम नंबर के लिए सक्सेस की गारंटी मान ले। वैसे भी रिसेंटली करीना के आइटम नंबर पर राखी भी कई सवाल उठा चुकी है। मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, करीना ने कहा कि उसे आइटम गर्ल वर्ड पसंद नहीं है। हाँ? तो फिर आइटम सॉन्ग क्यों किया? She is my favorite actress, you know, I love her. मैं उसे बहुत प्यार करती, but why she is नाक चढ़ा रही है कि don't call me item girl or item girl, एक एक्ट्रेस को नहीं कहना चाहिए। दिल मेरा मुफ्त का क्या है, ऐसे कुछ है ना, मुफ्त में जो दिल बांट रही है कितनों को बांटेगी भैया। राखी ने अपनी ये भड़ास निकाली थी एजेंट विनोद में करीना के मुजरा सॉन्ग पर। ऐसे में कहीं मलाइका को भी दबंग 2 के आइटम नंबर में करीना की एंट्री को लेकर कोई डाउट तो नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने करीना के सवाल पर अपने होठों को सिलने में ही भलाई समझी। करीना कपूर भी आपके साथ दबंग 2 में आइटम नंबर करने वाली? वो तो पता नहीं। वो तो पता नहीं। फॉर साजिद खान, जूम, मुंबई। कंगना रनौत ने रिसेंटली किसी एक्टर से अपना पीछा छुड़ाया, ये बात हम नहीं खुद कंगना बता रही है एक्सक्लूसिवली जूम को। तो कौन है वो एक्टर जिससे कंगना ने कर लिया है किनारा, लेट्स फाइंड आउट। मेरे जो मिशन है बहुत पर्सनल होते हैं, आई कांट शेयर विद यू। कंगना का ऐसा कौन सा मिशन है जिसे वो शेयर करने से इनकार कर रही है? मेरे जो मिशन है बहुत पर्सनल होते हैं, आई कांट शेयर विद यू। पर आपका फेवरेट चैनल जूम कैसे छोड़ देता कंगना को बिना उनके मिशन का सीक्रेट जाने? मेरे जो मिशन है बहुत पर्सनल होते हैं। तो आपको बता ही देते हैं कि जब हमने कंगना से पूछा कि ऐसा कौन सा स्टार है जिससे कंगना पीछा छुड़ाना चाहेंगी, तो देखिए कैसे हंसने के बाद कंगना ने रिवील कर दिया ये सीक्रेट। एंड कौन सा एक्टर जिससे आप तेजी से पीछा छुड़ाना चाहेंगे? मैं ये सब मेरे जो मिशन है बहुत पर्सनल होते हैं, आई कांट शेयर विद यू, लेकिन वो हो चुका है। कंगना का ये मिशन पूरा हो चुका है। ये मिशन था किसी एक्टर से पीछा छुड़ाने का। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कंगना किसी ऐसे एक्टर की बात कर रही हैं जिससे उन्होंने अपना दामन छुड़ा लिया है।
बट कंगना के इस सीक्रेट रेवलेशन से ठीक पहले तो सिर्फ कंगना की संजय दत्त से अनबन की खबरें गॉसिप के गलियारों में आई थी। तो क्या संजू बाबा ही है वो जिनसे कंगना ने कर लिया है किनारा? क्योंकि मान्यता दत्त और कंगना काफी अच्छी दोस्त रही हैं और ये माना जाता है कि कंगना को मान्यता के थ्रू संजय दत्त से काफी सपोर्ट मिला था। पर संजय गुप्ता और एकता कपूर की को प्रोड्यूस फिल्म में कंगना की एंट्री के बाद सुनने में आया कि कंगना से संजू बाबा ने किनारा कर लिया है, क्योंकि संजय गुप्ता को लेकर बिटरनेस की वजह से संजू शायद नहीं चाहते थे कि कंगना शूट आउट पटाला में काम करे। देखिए, किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग पर्सनल होती है, मुझे ऐसे कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग किसी के लिए नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैं तो सबके साथ काम करती हूँ और मुझे तो नहीं लगता कि किसी को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आप ही ने तो अभी कहा कि कोई एक्टर है जिससे आपने पीछा छुड़ा लिया है। कौन सा एक्टर जिससे आप तेजी से पीछा छुड़ाना चाहेंगी? वो हो चुका है। और ऐसा कहकर आपने अपने फैंस की क्यूरियोसिटी लेवल को काफी बढ़ा दिया है, तो हम उन्हें निराश कैसे कर सकते हैं? भाई सारे ऑप्शंस तो देने ही पड़ेंगे, तो कहीं वो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में कंगना के ऑपोजिट नजर आए अजय देवगन तो नहीं? क्योंकि पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि रास्कल्स में कंगना को लेकर काफी ट्रबल हुई थी, तब संजय दत्त और अजय देवगन दोनों ने कंगना के रवैये पर नाराजगी जताई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद कंगना ने इन दोनों से कंधे काट ली हो? Well, थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर हो सकती है, पर संजय दत्त और अजय से कंगना पीछा छुड़ा ले ये बात पॉसिबल भी नहीं लगती। इसीलिए अब आपको वो दो नाम और दे देते हैं, कहीं अध्ययन सुमन या फिर आदित्य पंचोली में से कोई तो नहीं जिसके लिए कंगना ने कही हो ये बात? कौन सा एक्टर जिससे आप तेजी से पीछा छुड़ाना चाहेंगी? वो हो चुका है। फॉर इलिका श्रीवास्तव, जूम मुंबई। शादी के बाद जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख को कई तोहफे मिले होंगे, इनमें से उन्हें कुछ बेहद पसंद आए होंगे और कुछ नहीं पसंद आए होंगे। जेनेलिया को अपनी शादी के बाद ब्रांड वर्ल्ड से जो तोहफा मिला है शायद उन्हें वो पसंद नहीं आएगा। कंप्लीट डिटेल्स नेक्स्ट स्टोरी में। एक बॉलीवुड स्टार के साथ कुछ ऐसा हो गया है जो एक बार फिर साबित कर देगा कि बी टाउन एक्ट्रेसेस को क्यों होता है शादी से परहेज। करीना कपूर हो या फिर प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ हो या फिर विद्या बालन, शादी की बात आते ही वो क्यों कह देती है कि उनकी शादी में अभी वक्त है। तो सस्पेंस करते हैं खत्म और आपको बता ही देते हैं वो वाकया जो शादी के बाद एक्ट्रेसेस की डिमांड पर असर पड़ने की बात को प्रूव कर रहा है। दरअसल सुनने में आया है कि जेनेलिया को एक बड़े स्किन केयर ब्रांड से हाथ धोने पड़ गए हैं। ब्रांड और जेनेलिया के बीच बातचीत चल रही थी और बात लगभग तय ही थी, मगर जैसे ही जेनेलिया की शादी की खबरें आई और फिर शादी भी हो गई तो ब्रांड ने दूर से ही नमस्ते करना ठीक समझा। सुनने में आया है कि ब्रांड ने ऐसा कदम इसलिए उठाया था क्योंकि शादी के बाद जेनेलिया की गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज कहीं खो गई, ऐसा उन्हें लगने लगा। खैर जेनेलिया फिल्मों में तो खुद के लिए ठीक ठाक काम कर ही गई हैं। अब ये ब्रांड न सही कोई और ही सही। राइट अपॉर्चुनिटी विल सून नॉक एट जेनेलिया डोर। पर कहीं जेनेलिया के हाथ से ये ब्रांड निकलने की बात अगर सच निकली तो एक बार फिर इतना जरूर साबित हो जाएगा कि एक्ट्रेसेस के शादी से दूर भागने के पीछे कहीं न कहीं होता है अपनी डिमांड बनाए रखने का रीजन। फॉर कुणाल मांडलेकर, जूम मुंबई। रिसेंटली एक वुमन बेस्ड अवार्ड्स में आई सोनम से जब हमने पूछा कि वो किस वुमन को अपना स्टाइल स्टेटमेंट चेंज करने के लिए कहेंगी, तो जवाब में सोनम ने किस एक्ट्रेस का नाम लिया? वेल, ये जानने के लिए यू विल हैव टू गो थ्रू दिस रैपिड कॉन्वर्सेशन विद सोनम। एवरीबॉडी नोज शी इज वर्थ एवरीथिंग शी इज गेटिंग, इजंट इट सोनम? यस। यस। एंड वन वुमन यू से लुक एट हर एंड यू ऑलवेज से यू आर वर्थ इट। I, like I said, every Indian woman out there is worth it, I think, because as Indian women, we do so much. We run the house, and now we've always, all, almost becoming, all, most of them are becoming career women. So we juggle so many faces, so many facets. So I think it's brilliant. Fantastic. You look absolutely lovely in this sari. First of all, so tell us a little about your outfit. It's an Amika Khana. It's a modern version of an Indian sari. Can I please get a look at your clutch as well? Yes. Perfect. It's you always go for wacky outfits, and why did you choose like an Indian outfit for tonight? Well, it is kind of wacky. Do you see it's got chain on it, and you see it's got buttons on the back. It's all like strange. It's like a strange like sari which looks like a sari. Absolutely. Yeah. When you have to think about one woman in Bollywood who you think is really powerful in her own way, you'd say? Ekta Kapoor. And why? Well, because she's revolutionized television in a lot, in a way, and she's one woman who is also taking the movie industry by storm as well with her films. So I think it's great that someone who's so powerful is a woman.
two actresses whom you think should patch up now, two women in Bollywood? Who should patch up? I think all of them. We all compete with each other. We all have problems with each other. So I think we should all like become a big happy family. Okay, fair enough. That's quite an honest answer. One woman you think really needs to change her style? I think that would be me. I think I'm a little more conservative maybe, but I don't think that's going to happen very soon. Okay. A little more sensible with my style, not so crazy. Okay, great. One actress you think is extremely underrated in Bollywood? One actress who's completely, I think is Rekha. I think she's never gotten her due. You went up on stage and you represent the brand in itself. When you come to an event like this and you see all the powerful women there and they unite together for a cause like this, what do you have to say about that? Well, I think it's incredible because women, I mean, I always feel that when you're together and we're doing something together, we always make a stronger team. So if women come together, we can rule the world. Absolutely. How would you bring a revolution in Bollywood? How would I bring a revolution in Bollywood? By speaking my mind. You think a lot of women don't do, isn't it? I think a lot of people don't do. I'm not only talking about women. I think people need to learn how to be themselves, be individuals, and not really care. That's it, Sonam Kapoor for you. And like she says, it's completely worth it. Thank you, Sonam. Bye-bye. Bye. एकता कपूर विद्या बालन और फारा को क्यों मानती हैं इंडस्ट्री की मोस्ट पावरफुल वुमेन और कौन है वो जिन्हें एकता मानती है द इंडस्ट्रीज मोस्ट अंडररेटेड एक्ट्रेस, ये सब और ढेर सारी गॉसिप एकता ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली शेयर की. आप भी देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू. वन ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन प्रोड्यूसर्स, नो डाउट इन दैट, एंड परफेक्ट फॉर दिस इवेंट. Ekta Kapoor, you are, like I said, one of the most powerful women producers in our industry, and you are like a youth icon. Besides you, who would you say is another youth icon among the women? I don't know if I'm a youth icon, but I'm happy to hear that. Youth part especially. But I would say Farah. She's outstanding. Her verve, tenacity, she, Vidya, Rani, all are very, very smart, sexy, strong women. Now I'm going to ask you a few questions, quick ones. One woman whom you think is very underrated in Bollywood? Underrated? I would say it's Kangna and Rani. Two actresses you think should really patch up in Bollywood? Patch up? I think they're all good friends. Women never fight. They always keep enough distance to avoid fights. One actress or one woman in Bollywood who you think has made the perfect, has got the perfect man in her life? Oh God. And that makes you jealous? That makes me jealous? That would be Tina Khanna. Yeah, was an actress. I'm sure you're on the cloud nine. You've selected all the right moves. And in the beginning, I think as a producer, it's a very difficult job, right? To be a woman and be a producer. Would you say? Am I correct? I don't think anything is difficult. I think once you start thinking everything is difficult, it gets more difficult. For me, I think I've never made the right moves. I've just made the moves. Some go right, some don't. So when they don't go right, you continue making moves till you get them right. Absolutely. So would you think Vidya is absolutely here to stay for quite some time now, right? No one can move her. She is unstoppable. Everybody's asking about Once Upon a Time Mumbai Part 2 sequel. So tell us a little updates on what's happening on that front. Two very hot men are there, one very hot woman is there, and I think Bombay Retro is probably the hottest. So wait out for this, I think one of our biggest capers. Thank you so much. Very great. Last, as a producer, when you are planning to release your movie, one actor in Bollywood against whose you would never release your movie with? Amir Khan. लाने बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जैकलिन फर्नांडिस आपको बताएगी कि विद्या बालन को वो क्यों मानती है अपना आइडल. सनी लियोनी को महेश भट्ट ने कौन से ब्यूटीफुल और बोल्ड रोल निभाने के लिए जिस्म टू में कास्ट किया है? वेल, ये अब नहीं रहा कोई सीक्रेट क्योंकि जूम एक्सक्लूसिवली रिवील कर रहा है जिस्म टू में सनी के रोल की मिस्ट्री. J
जब से महेश भट्ट ने सनी लियोनी को नेशनल टीवी पर जिस्म 2 ऑफर की, तब से दर्शकों के मन में एक ही सवाल था कि आखिर सनी किस रूप में नजर आएंगी हमें। फिर थोड़े दिनों बाद हमें जिस्म 2 का ये पोस्टर मिला, उससे ये तो अंदाजा नहीं लग पाया कि सनी का रोल क्या होगा, लेकिन ये जरूर पता लग गया कि सनी वही करेंगी जिसके लिए वो है मशहूर, एक्सपोज। लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि सनी लियोनी का किरदार क्या होगा। सनी जिस्म 2 में एक हनी ट्रैप की भूमिका निभा रही हैं। अगर समझ न आया हो तो जरा याददाश्त पे जोर डालिए और नुपुर मेहता के बारे में सोचिए। बी टाउन की ये स्ट्रगलर हाल ही में क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के सिलसिले में सुर्खियों में रही है, तो बस उसी किस्म का रोल है सनी का, एक हनी ट्रैप का। लेकिन देखना ये है कि हनी ट्रैप के रोल में क्या सनी लोगों को उतनी ही लुभाएंगी जितनी इस पोस्टर में आ रही हैं। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। बिट्टू बॉस की स्टार कास्ट गुड़ी पाड़वा और न्यू ईयर के मौके पर सिद्धि विनायक के दर्शन करने पहुंची और हम आपके लिए लेकर आए हैं इस विजिट के विजुअल्स। नए साल की शुरुआत है, नई शुरुआत है, तो आज से ये मेरी डेब्यू फिल्म भी है, तो एक इसके लिए एक नई शुरुआत से बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। तो आज का दिन बहुत ही पावन माना जाता है। बस सिद्धिविनायक जी के हम दर्शन करने आए थे, उनका आशीर्वाद देने आए हैं। बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे, क्योंकि ब्रेक के बाद जरीन आपको बताएंगी सलमान से जुड़ा एक सीक्रेट। जरीन खान ने रिसेंटली विवेक ओबरॉय की फिल्म में आइटम नंबर करने से मना कर दिया था। उनके इस डिसीजन के पीछे था सलमान का कितना हाथ, जानिए खुद जरीन से। हमारे साथ है जरीन खान, जो फिल्म उनकी आ रही है हाउसफुल 2। आइए बात करते हैं, जानते हैं वो कितनी एक्साइटेड है अपनी इस फिल्म को लेकर। वेलकम टू जूम। थैंक यू। सो हाउसफुल 2, बहुत सारा ड्रामा हम प्रोमो के जरिए देख रहे हैं, गाना देख रहे हैं, मस्ती देख रहे हैं। जरीन क्या कर रही हैं इस फिल्म में? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, ये मेरी सेकेंड मूवी है एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर द रिलीज़ ऑफ द मूवी। कि इस तरह जब भी मेरा कुछ कभी गाना या जो मूवी आई है, हर एक बार पब्लिक ने मुझे बहुत ही अलग रिएक्शन दिया है, तो इस बार मैं लोगों का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। सो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज़ ऑफ द मूवी एंड बींग अ पार्ट ऑफ हाउसफुल 2 इज़ अ प्लेजर। मैं इससे बेहतर कुछ नहीं मांग सकती थी फॉर माई सेकेंड मूवी। तो चार एक्ट्रेस हैं, चार एक्टर, मेल फीमेल, काफ़ी सारी, मतलब ऐसे यूँ कहा जाए कि पूरा मेला होगा सेलिब्रिटी एक्ट्रेस का। सो उसमें जरीन कहीं आपको लगता है कि आपने एक जगह बनाई है कि लोग आपको, आप वहाँ पर क्लिक हो जाएंगे लोगों के लिए, दर्शकों के लिए, आपके फैंस के लिए? ऑफकोर्स, क्योंकि हमने इतने सारे जो एक्टर्स लिए हैं मूवी में, वो सिर्फ भरने के लिए या भीड़ नहीं है। Every character has a different streak to it. हर एक इंसान उस मूवी में कुछ ना कुछ कर रहा है, so of course, ये भीड़ में घूमने की बात ही नहीं होती। बट हमने सुना था कि आपने एक विवेक की फिल्म के लिए आपने आइटम नंबर छोड़ दिया, ऐसी जो खबर आई थी उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी कि सलमान के रिलेशन के खातिर आपने वो गाना, वो आइटम नंबर छोड़ दिया? गाना मुझे ऑफर किया गया था, इट वॉज़ ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट बिटवीन अ फ्रेंड एंड मी। टुडे आई हैव जस्ट एंटर्ड द इंडस्ट्री एंड you know, I do not have a strong backup. कि you know, if I do something, if I make a wrong move, it will be ignored and I can move ahead. I have to take, मुझे हर एक step बहुत ही carefully लेना पड़ता है and so हमारी जो industry है वो आपको label देने में ज़्यादा time नहीं लगाती है, so I did not want to be labeled as an item girl. That is the reason this was a conscious effort, conscious decision of not doing an item song back to back. क्योंकि मैंने अभी character ढीला किया था। I'm here to be an actress, to do good work, not to become an item girl. Probably after or to a movie or two, I will do item songs, but right now I am very scared to take this move and that was my only concern. As for not doing the song, because of Vivek was not even a part of that song. So I have no idea. Film unhi ki thi, actor wahi hai. So mera sawal ye hai aapse ki jis tarah se rumors log aate hain, log ek group mein kaam karte hain ki agar usse juda hai, jaise Salman ki kai sare dost bhi hain to kai sare dushman bhi hain, to agar Zareen ko aise mauka mile ki unke enemies, jo so called enemies hain, agar unke sath film mein judne ka kaam karne ka mauka mile, to Zareen kya decision lenge? Zareen ka apna koi decision hoga is pe? Of course isme mera hi decision hoga, kyunki Salman has never been the kind of person jo bolenge ki ye mat karo, wo mat karo. Professionally he is a very flexible person. वो कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि इसके साथ काम मत करो, उसके साथ काम मत करो। ही विल सजेस्ट यू टू डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू। चलिए हम यही विश करेंगे कि जरीन आपकी ये फिल्म हाउसफुल 2 लोगों को पसंद आए और आपकी भी एक्टिंग को लोग पसंद करें, जिससे अगला प्रोजेक्ट आपको
और अच्छा 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 मिले. थैंक यू सो मच. एमपर्सन कैलाश के साथ रोशनी दुबे, जूम मुंबई. Zoom है इंडिया का नंबर वन बॉलीवुड चैनल एंड वेरी सून हम बन जाएंगे इंडिया नंबर वन बॉलीवुड न्यूज सोर्स ऑनलाइन विद ओवर 17 लाख फैंस ऑन फेसबुक. वी आर इंडिया सेकंड बिगेस्ट मीडिया पेज ऑन फेसबुक. सो लॉग ऑन टू facebook.com/zoomtv एंड लाइक अस फॉर ऑल द न्यूज एंड हॉट गॉसिप एंड ऑल द कॉन्ट्रोवर्सीज. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. टिल देन कीप वॉचिंग Zoom, India's number one Bollywood channel.